हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में मैं आपको राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल मींस आरआईपी के बारे में बताऊंगा। आरआईपी एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। और ये राउटिंग प्रोटोकॉल 1969 में लॉन्च हुआ था। मतलब क्या है कि आरआईपी एक बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब, आईजीपी का मतलब क्या है कि जब सोर्स राउटर और डेस्टिनेशन राउटर दोनों एक ही एएस नंबर में हो। एक ही एएस नंबर का मतलब क्या है कि दोनों ही राउटर एक ही आईएसपी के राउटर हों, तो उस केस में जो प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है उसको आईजीपी मींस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में आज हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, जिसका मेन और सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है आरआईपी। वो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आरआईपी के अंदर जो मेट्रिक यूज होता है वो मेट्रिक हॉप काउंट होता है। हॉप काउंट समझने के लिए इस नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो राउटर, राउटर ए और राउटर बी दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में बहुत सारे दूसरे राउटर्स लगे हुए हैं। अगर राउटर ए के ऊपर कोई पैकेट आता है और उसको राउटर बी के ऊपर डिलीवर कराना है, तो इस कंडीशन में राउटर ए के पास राउटर बी तक पहुंचने के लिए 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। अब इन तीनों पाथ पे से पैकेट कौन से पाथ पे मूव करेगा, अगर प्रोवाइडेड ये है कि राउटर ए के ऊपर जो प्रोटोकॉल असाइन किया गया है वो आरआईपी है। आरआईपी कॉन्फ़िगर्ड राउटर जब भी कोई रूट सेलेक्ट करता है तो वो मिनिमम डिस्टेंस का रूट सेलेक्ट करता है। मिनिमम डिस्टेंस के केस में क्या होगा, इस नेटवर्क के ऊपर अगर देखा जाए तो अगर राउटर ए ये A1, 2 और B रूट को सेलेक्ट करता है तो उस केस में उसको कितने हॉप चलने पड़ेंगे। A21 1 hop 1 to 2 another 1 hop and 2 to B 1 hop मीन्स टोटल 3 हॉप्स में ये बी पे पहुंच रहा है। नीचे वाले रूट के हिसाब से देखा जाए तो A24 1 hop plus 1 hop plus 1 hop plus 1 hop टोटल 4 हॉप में और राउटर बी में पहुंच रहा है। और इस जो डायरेक्ट रूट में A3B दिखाई दे रहा है वहां से 1 हॉप एंड सेकेंड हॉप में ये राउटर बी तक पहुंच जा रहा है। तो अगर राउटर ए के ऊपर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल मीन्स आरआईपी कन्फिगर्ड होगा तो उस केस में ये रूट इसका बेस्ट रूट होगा और यही इसकी राउटिंग टेबल में जगह पाएगा। तो आरआईपी के लिए जो मेट्रिक यूज होगा वो हॉप काउंट यूज होता है। हॉप काउंट का मतलब क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। आरआईपी के टोटल 3 वर्शंस हैं। उसमें पहला वर्शन जिसको आरआईपी वर्शन 1 बोलते हैं, आरआईपी वर्शन 1 जो है वो क्लासफुल आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है और इसके अंदर जो एड्रेसेस यूज होंगे जो अपडेट करने के लिए, राउटिंग टेबल अपडेट के लिए एक दूसरे को जो शेयरिंग होगी वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255.255.255.255 यूज होता है। इसके अलावा जो आरआईपी का दूसरा वर्शन है आरआईपी वर्शन 2, ये क्लासफुल और क्लासलेस दोनों तरह की आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है और यहाँ राउटिंग टेबल को शेयर करने के लिए मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस यूज होते हैं 224.0.0.9। और इसके अलावा जो तीसरा आरआईपी का वर्शन है वो है आरआईपी एनजी, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, और ये आईपी वर्शन 6 के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए आरआईपी की ऑपरेशन या वर्किंग समझते हैं। एक सिंपल सा नेटवर्क यहाँ पे हमने दिखाया है जिसके अंदर 3 राउटर R1, R2 और R3 लगे हुए हैं। R1 से एक लैपटॉप कनेक्टेड है और R3 से एक लैपटॉप इधर कनेक्टेड है। इस पूरे नेटवर्क के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर हमने आरआईपी प्रोटोकॉल सभी राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया है और एक यहाँ से पैकेट इस दूसरे लैपटॉप के पास पहुँचाना है। इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर क्या क्या आईपी एड्रेसेस असाइन है वो देख लेते हैं हम लोग। लैपटॉप के ऊपर 10.10.10.1 और उसके दूसरा एंड जो राउटर से कनेक्टेड है वहां .2, यहाँ पे 20.1 20.2 30.1 30.2 40.1 and 40.2 इस तरीके से आईपी एड्रेसेस असाइन है। मतलब क्या है
कि लैपटॉप वन से राउटर वन के बीच में नेटवर्क एड्रेस जो है वो 10.10.10.0 है, यहाँ पे 20.20.20.0 है आर वन और आर टू के बीच में, आर टू और आर थ्री के बीच में 30.30.30.0 है, और आर थ्री और इस लैपटॉप टू के बीच में जो एड्रेस है वो 40.40.40.0 का है। अब ये आरआईपी की वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली आरआईपी काम कैसे करता है, या आरआईपी के अंदर राउटिंग टेबल क्रिएट कैसे होते हैं, या जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट होता है वो बेस्ट पाथ कैसे सेलेक्ट होता है। तो इसके लिए आरआईपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर राउटर एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिसको बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम या डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम कहते हैं। इन एल्गोरिदम्स की डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये राउटिंग टेबल एक दूसरे को अपडेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी राउटर अपने राउटिंग टेबल क्रिएट करता है वो राउटिंग टेबल के अंदर जो उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे, जैसे राउटर आर वन से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 10 का एक नेटवर्क था और 20 का नेटवर्क था, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को सबसे पहले अपने राउटिंग टेबल में लिख लेते हैं। और यहाँ जो दूसरे कॉलम में चीज़ें लिखी हुई हैं ये हॉप काउंट को बता रही हैं। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे वो उनका हॉप जीरो होगा। तो सबसे पहले ये राउटिंग टेबल सभी राउटर्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसी राउटिंग टेबल को एक दूसरे को शेयर करते हैं। शेयर करने के टाइम में क्या होगा कि ये जो राउटर आर वन है ये अपना टेबल आर टू को शेयर करेगा, ऐसा हम लोग ये इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं। तो इसने अपना राउटिंग टेबल आर टू के पास सेंड किया। आर टू के पास अपना एक राउटिंग टेबल था जो पहले से इसने क्रिएट कर रखा है। जब ये राउटिंग टेबल यहाँ पे पहुँचेगा तो ये आर टू इसको मिले दूसरे राउटिंग टेबल से अपने राउटिंग टेबल को कंपेयर करेगा। तो कंपैरिजन में क्या मिल रहा है कि 20.0 का नेटवर्क उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो उसको दूसरी जगह से भी अपडेट में मिल रहा है। तो ये 20.0 को कुछ भी नहीं करेगा, 30.0 कहीं से उसको नहीं मिला और उसके पास पहले से अवेलेबल है इसको भी कुछ नहीं करेगा, उसको एक नया नेटवर्क 10.10.10.0 का मिला। तो इस 10.10.10.0 को जो उसको अपडेट मैसेज मिलता है इसके अंदर ये इस हॉप काउंट को 1 से इंक्रीज करके अपने राउटिंग टेबल में जगह दे देगा। मीन्स इसका जो नया राउटिंग टेबल होगा अभी क्या हो जाएगा, 10.10.10.0 के लिए हॉप काउंट 1 हो जाएगा और उसके जो पहले के दो रूट उसके पास पहले से अवेलेबल थे वो हॉप काउंट 0 में अभी भी रहेंगे। अब ये राउटिंग टेबल अगर आर टू आर थ्री को अपडेट करता है देन क्या होगा, आर थ्री के पास अपना एक राउटिंग टेबल पहले से रहा होगा जो राउटिंग टेबल 30.30.30.0 एंड 40.0 के हॉप काउंट 0 थे, वहां पे एक नया राउटिंग टेबल मिल रहा है जिसके ऊपर दो नई इन्फॉर्मेशन है 10 एंड 20 की। 30 की इन्फॉर्मेशन इसके पास पहले से है तो इस इन्फॉर्मेशन को वो डिस्कार्ड कर देगा एंड 40 की इन्फॉर्मेशन इस नई इन्फॉर्मेशन में नहीं है तो 30 और 40 इसके पास पहले से है, 10 एंड 20 उसको दूसरे राउटर से मिल रहा है, देन क्या होगा, 10 को भी वो इंक्रीज बाय 1 करेगा एंड 20 का जो हॉप काउंट है उसको भी इंक्रीज बाय 1 करेगा। देन इसका एक राउटिंग टेबल क्रिएट होगा, 10.10.10.0 के लिए हॉप काउंट हो जाएगा 2, 20 के लिए 1, 30 एंड 40 के लिए 0। अब अगर ये राउटर इस राउटिंग टेबल को आगे कहीं फॉरवर्ड करता है देन ये वैल्यू इंक्रीज होके 3, ये 2, ये 1 और ये 1 हो सकती है। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर चीज़ें जो एक दूसरे को फॉरवर्ड होती हैं उसको र्यूमर फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं। र्यूमर फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है कि एक राउटर ने अपना राउटिंग टेबल जो कुछ भी दूसरे राउटर को फॉरवर्ड किया दूसरा राउटर सिंपली उस राउटर को आगे फॉरवर्ड कर देता है, आगे ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट अगर आरआईपी वर्शन 1 होगा तो ब्रॉडकास्ट करेगा और आरआईपी वर्शन 2 होगा तो वहां पे मल्टीकास्ट कर देता है। और इसको र्यूमर इसलिए बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है सिंपली उस इन्फॉर्मेशन को वो आगे फॉरवर्ड करते जाता है और इस बेसिस पे एक बेस्ट रूट सेलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आरआईपी अपना ऑपरेशन करता है। आरआईपी के ऑपरेशंस के लिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है क्योंकि ये एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है। तो डायनेमिक प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि अगर ये आर वन राउटर कोई भी पैकेट आर थ्री तक भेज रहा है तो वो वाया आर टू ही आर थ्री तक जा रहा है, लेकिन अगर आर टू राउटर फेल हो जाए तो क्या होगा,
आर टू राउटर फेल होने की कंडीशन में अगर आर वन टू आर थ्री के बीच में कोई दूसरा अल्टरनेट राउटर अवेलेबल है या अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है, देन वो पैकेट उस अल्टरनेट रूट के थ्रू आर थ्री तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए आर टू दोनों ही एंड में अपने दोनों नेवर को अपडेट करता है कि इस राउटर की सर्विसेज बंद हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर आर टू राउटर फेल हो जाएगा देन वो आर वन या आर थ्री को अपडेट करेगा कैसे। फेल होने का मतलब क्या है कि अगर इस राउटर के अंदर पावर फेल हो गया या इनके लिंक्स फेल हो गए देन ये दूसरे राउटर्स को अपडेट करेगा कैसे। इस अपडेशन को या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आरआईपी के अंदर चार तरह के या फोर टाइप्स ऑफ टाइमर यूज होते हैं, तो उन टाइमर्स को हम लोग वन बाय वन इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टाइमर जो होता है उसको अपडेट टाइमर बोलते हैं। अपडेट टाइमर क्या है, आर वन ने अपना राउटिंग टेबल जो आर टू को सेंड किया और आर टू अपना राउटिंग टेबल आर थ्री को सेंड करता है, ये सेंड करने का जो तरीका है या ये सेंड करने के लिए जो टाइमिंग है जिसको अपडेट टाइमर बोलते हैं, ये टाइमर एवरी 30 सेकंड में होता है। मीन्स हर राउटर अपने नेवर को अपना राउटिंग टेबल सेंड करता है या अपने रूट्स अपडेट करने के लिए भेजता है इन एवरी 30 सेकंड, और ये टाइमर कहलाता है अपडेट टाइमर। मतलब क्या है कि अगर आर टू राउटर फेल हो गया तो अगले 30 सेकंड के बाद इस राउटर या इस राउटर के पास किसी भी तरह के अपडेट मैसेजेस नहीं मिलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा। आर टू राउटर की कंडीशन, अगर ये मान लेते हैं कि आर टू राउटर फेल हो गया और वो आर वन और आर थ्री को किसी भी तरह के मैसेजेस नहीं भेज रहा है, तो देन ये राउटर्स अब क्या करेंगे। इन राउटर्स के पास एक अगला ऑप्शन होगा जिसको बोलते हैं इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड का सिस्को में बाय डिफॉल्ट होता है। इनवैलिड टाइमर का मतलब क्या है कि अगर आर वन राउटर के पास आर टू से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है या आर थ्री के पास आर टू से कोई अपडेट नहीं आ रहा है या किसी भी राउटर को अपने नेवर से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है जो एवरी 30 सेकंड में मिलना चाहिए था, वो 180 सेकंड तक अगर कोई भी अपडेट मैसेज नहीं मिलता है तो कोई भी राउटर उस दूसरे राउटर को इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन्स 16 हॉप की डिस्टेंस पे कर देता है। इनफाइनाइट आरआईपी के केस में 16 डिफाइन किया गया है। ये क्यों किया गया है इसको हम लोग आगे की वीडियोस में आपको डिटेल में बताएंगे। इस एग्जांपल में अगर आर टू राउटर आर वन को मैसेज नहीं सेंड कर रहा है देन आर वन आर टू राउटर को वैल्यू लिख देगा 16 मीन्स 20.20.20.0 से अपडेशन अगर उसको नहीं मिल रहा देन यहां पे वो लिख देगा वैल्यू 16, और ये होता है इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर के बाद जो अगला टाइमर होता है जिसको बोलते हैं होल्ड डाउन टाइमर। याद रखने की बात ये है कि इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड का होता है और ये टाइमर अपडेट टाइमर के साथ ही शुरू हो जाता है। मीन्स अपडेट टाइमर 30 सेकंड का है तो जो इनवैलिड टाइमर है वो अपडेट टाइमर के साथ ही इसका भी काउंटिंग शुरू हो जाता है। होल्ड डाउन टाइमर इनवैलिड टाइमर के खत्म होने के बाद शुरू होता है। मतलब क्या है कि अगर आर वन राउटर के पास आर टू राउटर से कोई भी अपडेट मैसेज नहीं मिल रहा है और आर वन राउटर ने आर टू राउटर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया मीन 16 हॉप पे इसको रख दिया है, उसके बाद भी ये अगले 180 सेकंड तक होल्ड करता है किसी भी दूसरे राउटर से अपडेट होने के लिए। मतलब क्या है कि अगर आर टू राउटर आर वन राउटर को पहले अपडेट कर रहा था, अभी वो रूट इनवैलिड हो गया है, तो राउटर आर वन अभी अगले 180 सेकंड तक किसी भी दूसरे राउटर से अल्टरनेट रूट नहीं लेगा, वो आर टू राउटर से ही वेट करता रहेगा कि आर टू राउटर से उसको एक नया अपडेट मैसेज मिलेगा। इस टाइमर को होल्ड डाउन टाइमर बोलते हैं। इसके बाद जो अगला टाइमर होता है उसको फ्लश टाइमर बोलते हैं। ये फ्लश टाइमर 240 सेकंड का होता है। मतलब क्या, इनवैलिड रूट होने के बाद प्लस 60 सेकंड मोर। इस फ्लश टाइमर का जैसा नाम है ये इंडिकेट करता है कि राउटर
जिसके पास जिसने किसी रूट को इनवैलिड किया है उस रूट को अपने राउटिंग टेबल से डिलीट कर देता है। इस टाइमर्स को समझने के लिए इस डायग्राम को आप एक बार ध्यान से देखिए। अपडेट टाइमर 30 सेकंड का, अपडेट टाइमर के साथ ही इनवैलिड टाइमर भी स्टार्ट हो रहा है और उसी के साथ साथ फ्लश टाइमर भी स्टार्ट होता है। मतलब क्या है, कोई भी राउटर जब उसको कहीं पे अपडेट मैसेज भेजना होता है तो अपडेट मैसेज भेजने के साथ ही वो अपना इनवैलिड का टाइमर और फ्लश का भी टाइमर स्टार्ट कर देता है। यहाँ एक चीज जानना जरूरी है कि हर अपडेट के बाद राउटर उस टाइमर को रीसेट कर देता है। जैसे ही कहीं से अपडेट मैसेज मिला उसके बाद उस टाइमर को वो रीसेट कर देगा और फिर से जीरो हो जाता है। ये अपडेट टाइमर बार बार रीसेट होता ही रहता है। होल्ड डाउन टाइमर क्या है, इनवैलिड टाइमर जब खत्म होता है उसके बाद ये होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट होता है। फ्लश टाइम टाइमर क्या होता है, फ्लश टाइम टाइमर इनवैलिड टाइमर जहां पे एंड होता है उसके 60 सेकंड मोर 180 प्लस 60 मींस 240 सेकंड का फ्लश टाइमर सिस्को में बाय डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा एक और अपडेट होगा जिसको ट्रिगर्ड अपडेट बोलते हैं। ट्रिगर्ड अपडेट क्या होता है, किसी भी राउटर के अंदर, सपोज राउटर 2 के अंदर किसी भी तरह का सडनली कोई चेंज हो गया, उस चेंज को दूसरे राउटर तक शेयर करने के लिए किसी भी टाइमर की जरूरत नहीं है। वो जिस मोमेंट में कुछ चेंजिंग होगी उसी मोमेंट में वो अपने नेबर्स को अपडेट करेगा और इसको बोलते हैं ट्रिगर्ड अपडेट। मीन्स अगर अभी R1 ने R2 को अपडेट किया है 30 सेकंड में और उसके तुरंत बाद कोई चेंजेस हो गए तो वो अगले 30 सेकंड का वेट नहीं करेगा, उसी मोमेंट में ट्रिगर्ड अपडेट सेंड कर देगा। ट्रिगर्ड अपडेट में जो राउटिंग टेबल सेंड की जाती है और नॉर्मल अपडेट में जो राउटिंग टेबल सेंड की जाती है जिसको पीरियोडिक अपडेट बोलते हैं, जहाँ पे टाइमिंग फिक्स है, दोनों में एक फर्क है कि पीरियोडिक अपडेट के अंदर जो राउटिंग टेबल सेंड की जाएगी वो 3 कॉलम टेबल होगी और ट्रिगर्ड अपडेट के अंदर जो राउटिंग टेबल सेंड होगी वो 2 कॉलम टेबल होती है। इन अपडेट्स को हम लोग आगे की वीडियोज में डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।